उत्तराखंड वासियों के लिए अब मुंबई जाना होगा आसान। ट्रेन से भी कर सकेंगे मायानगरी की यात्रा। रेलवे ने दी देवभूमि को एक नई ट्रेन की सौगात। जी हाँ, अगर आप भी अब उत्तराखंड से मुंबई में काम के सिलसिले या फिर घूमने के लिए जाना चाहते हैं, तो अब आपको मुंबई जाने के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय रेलवे ने उत्तराखंड को एक ऐसी ट्रेन की सौगात दी है जो लाल कुआं से मुंबई यानी कि बांद्रा टर्मिनल तक चलेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज सुपरफास्ट ट्रेन को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान वहां सांसद अजय भट्ट और लालकुआ विधायक मोहन बिष्ट मौजूद रहे। बता दें कि लालकुआ बांद्रा सुपरफास्ट ट्रेन सप्ताह में केवल एक दिन सोमवार को चलेगी। ये ट्रेन आज लालकुआ से सुबह 7:45 पर रवाना हुई, जो रुद्रपुर सिटी, रामपुर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, हजरत निजामुद्दीन, मथुरा, कोटा, बड़ोदरा, सूरत होते हुए अगले दिन मंगलवार को सुबह 8:30 बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी, जबकि वापसी में बांद्रा टर्मिनस से सुबह 11:00 मंगलवार को प्रस्थान कर लालकुआ अगले दिन बुधवार 1:15 पर पहुंचेगी। इस ट्रेन में यात्रियों की सुविधा के लिए सेकंड एसी के 1 कोच, थर्ड एसी के 2 कोच, एसी इकोनॉमी श्रेणी के 3 कोच, स्लीपर क्लास के 6 कोच और सामान्य श्रेणी के 4 कोच शामिल हैं। इस गाड़ी में सभी कोच LHV के लगाए गए हैं, जो कि यात्रियों के लिए सुविधाजनक और सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त हैं। वहीं इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि हमारी लालकुआं से बांद्रा जाने के लिए ट्रेन का जो सपना था, वो आज लंबे समय बाद पूरा हो गया है। इसके लिए उन्होंने पीएम मोदी और रेल मंत्री का आभार जताया। नीम करोड़ी बाबा के आशीर्वाद से आज लालकुआ से बांद्रा ट्रेन का संचालन का जो स्वप्न था हम लोगों की बहुत लंबे समय से जो मांग थी, वो मांग पूरी हुई है। इस अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही इस रेल के संचालन के लिए, जिसके कारण से हमारे मुंबई से उत्तराखंड आने वाले, कुमाऊं क्षेत्र में आने वाले, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारे लोग जो यहाँ से, जिनका घर है यहाँ आना जाना होता है, उनके लिए भी बहुत सुविधा हुई है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रेल मंत्री जी का दिल से आभार प्रकट करता हूँ। वहीं ट्रेन के संचालन को लेकर सांसद अजय भट्ट ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस ट्रेन के संचालन से रामपुर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, मथुरा, कोटा, बड़ोदरा, सूरत जैसे रेलवे स्टेशन से जुड़े लोगों को यात्रा करने का आसानी से विकल्प मिलेगा। मुंबई की बार बार डिमांड आती थी कि रात दिन आना जाना होता है, और वहाँ भी पर्यटक प्लेस है और आर्थिक राजधानी है, और यहाँ पर सब लोग पिंडारी ग्लेशियर, नैनीताल और जिम कॉर्बेट पार्क, पुण्यागिरी माता, सब जगह जाना चाहते हैं। अब तो आदि कैलाश, जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे, आवत जावत आने में बड़ी कठिनाई हो रही थी लोगों को भी, पर्यटकों को भी। तो हम लोगों ने बार बार डिमांड करी, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय रेल मंत्री जी को बधाई देता हूँ कि हमारी मांग उन्होंने मानी और मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरह से इस मामले को आगे बढ़ाया। आज ये जो ट्रेन चली है, ये तीसरी ट्रेन चल रही है। एक रामनगर से चलेगी बृहस्पतिवार को, एक शुक्रवार को काठगोदाम हल्द्वानी से चलेगी, और सोमवार को लालकुआं से चलेगी। बहरहाल इस रेल सेवा के संचालन से पूरे कुमाऊं क्षेत्र के लोगों के साथ ही यहां के विभिन्न धार्मिक और पर्यटन स्थलों के दर्शनार्थियों और पर्यटकों को भी इसका लाभ मिलेगा। बता दें कि अब तक सप्ताह में 2 रेलगाड़ियां रामनगर और हल्द्वानी से मुंबई के लिए रवाना होती थीं, लेकिन अब तीसरी ट्रेन लालकुआं से भी लोग मुंबई का सफर तय कर सकेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए हल्द्वानी से तारा जोशी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।